सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में केजरीवाल, पहले नपा ये अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के बॉस अब केजरीवाल होंगे, यानी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच मैं बड़ा की जंग अब खत्म हो गई है और अब पूरी ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गई है। जिसका नतीजा ये रहा कि जैसे ही पूरी पावर केजरीवाल के हाथ में आई, वैसे ही वो एक्शन में दिखाई देने लगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, जनता के काम रोकने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, लिहाजा सबसे पहला चाबुक चला सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी पर। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दे दिया। इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया है। जानकारी हो कि अदालत के फैसले से पहले सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली के एलजी के पास था। आदेश के मुताबिक अब 1995 बैच के आईएएस अधिकारी एके सिंह सेवा विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वो जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब सारे प्रशासनिक सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होंगे, कई सारे कर्मचारियों और अधिकारियों का इस आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया है। जाहिर है ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सिलसिला अभी लंबा चलेगा। अफसरों के भीतर भ्रम की स्थिति है तो डर भी सता रहा है कि कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की खींचतान में अफसर न फंस जाएं। आपको बता दें कि अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास अफसरों पर नियंत्रण की ताकत न हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दें या फिर उनके निर्देशों का पालन न करें तो जवाबदेही के नियम के मायने नहीं रह जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के मामलों में केंद्र का इतना दखल ना हो कि नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाए। दिल्ली का किरदार अनूठा है, वो दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों जैसी नहीं है। दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो लेकिन इसके पास कानून बनाने के अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में कई बड़े प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही हो सकता है कि ये आगे भी जारी रह सकते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।